मदनपुर प्रखंड के जलवन गांव में आयोजित श्री राम महायज्ञ में रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसे देखने गांव और आसपास के ग्रामीण पहुंच रहे हैं। इस दौरान अयोध्या से आए रामलीला के कलाकारों ने श्री राम के जीवन पर आधारित सभी पहलुओं को नाटक के माध्यम से दर्शाया है, जो ग्रामीणों के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम का शुभारंभ लोजपा के वरीय नेता प्रमोद सिंह ने द्वीप प्रज्वलित और फीता काट कर किया। इसके साथ ही उपस्थित अतिथियों ने भगवान श्री राम की आरती के साथ उनका भोग लगाया। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों और गणमान्य लोगों को कमेटी के सदस्यों ने अंगवस्त्र देकर स्वागत और अभिनंदन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि रामलीला केवल भारत में ही नहीं होती है, बल्कि विदेश में भी रामलीला का आयोजन किया जाता है और यह उनकी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान राम प्रत्येक सनातनियों के दिल में रहते हैं। आज के लोग भगवान राम के आदर्शों से विमुख होते जा रहे हैं, जिससे समाज में अपराध बढ़ रहा है। भगवान राम के आदर्श जीवन को लोग अपनी जीवन शैली से जोड़े तो समाज में सुख और शांति कायम होगी। बता दें आपको कि अयोध्या में श्री राम लला के विराजमान होने के उपलक्ष में श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान अयोध्या से आए कलाकारों ने गणेश वंदना के बाद शिव पार्वती संवाद, नारद मोह और राम जन्म की लीलाओं का मंचन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौके पर प्रोफेसर संतोष सिंह, संजय सिंह, कृष्ण सिंह, अजय पाठक, नीरज पाठक, पूर्व उप मुखिया टिंकू गुप्ता, रविशंकर उर्फ वीरू, आलोक गुप्ता, गुड्डू यादव, पिंटू गुप्ता, भोला सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।